हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक? इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स एंड फैक्ट्स अबाउट बोन मैरो। इंट्रोडक्शन। बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू है जो कि बोन्स के स्पॉन्जी पोर्शंस में पाया जाता है, जैसे कि हिप बोन्स एंड थाई बोन्स। ये हेमाटोपोएटिक सेल्स, मैरो एडिपोस टिश्यू एंड सपोर्टिव स्ट्रोमल सेल्स से मिलकर बना होता है। बोन्स दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो जो कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, येलो बोन मैरो जो कि फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। ये स्टेम सेल्स को कंटेन करता है। बोन मैरो प्राइमरली रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड बोन्स ऑफ पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में अप्रॉक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल्स पर डे मैरो की प्रोडक्शन होती है। स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन ऑफ मैरो इज डायनेमिक, मतलब ये दो कॉम्पोनेंट्स का मिक्सचर होता है, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर, एंड इन रिस्पॉन्स टू सिस्टमिक फैक्टर्स। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड येल्लो मैरो। अडल्ट्स में रेड मैरो सेंट्रल स्केलेटन यानी पैल्विस, स्टर्नम, क्रेनियम, रिब्स, वर्टिब्रा एंड स्कैपुला में पाया जाता है। मैरो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कंटेन करते हैं जो आगे जाके ब्लड सेल्स के 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो कि हमारे सर्कुलेशन में पाए जाते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं फंक्शंस की। बोन मैरो लिम्फोइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, देन वो थाइमस में माइग्रेट एंड टी सेल्स में मैच्योर होते हैं। सेकंड, बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। थर्ड, प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, जैसे कि अदर ब्लड सेल्स। येलो मैरो जो कि लिपिड स्टोरेज में हेल्प करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ बोन मैरो। फर्स्ट रेड बोन मैरो, सेकंड येलो बोन मैरो। हम पढ़ते हैं सबसे पहले रेड बोन मैरो के बारे में, जो कि हेमाटोपोएसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो कि रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं, वो फर्दर डेवलप होके 3 डिफरेंट ब्लड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम RBC भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स। RBC जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो पूरी बॉडी के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो कि रेड बोन मैरो में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो हमारे लीवर और स्प्लीन में परफॉर्म्ड होता है। प्लेटलेट्स ये हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग से भी। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। अब आता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो कि हमारे फैट्स के स्टोरेज में इन्वॉल्व्ड है, ये जो फैट है, जो फैट्स है हमारी बॉडी में, वो येलो बोन मैरो में स्टोर किया जाता है और इसे हम कहते हैं इन सेल्स को एडिपोसाइट्स। ये फैट हमें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। देन येलो बोन मैरो जिनके पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होता है, ये डेवलप होके बोन, फैट, कार्टिलेज या फिर मसल सेल्स में डेवलप हो जाता है। ओवर टाइम येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो से रिप्लेस होने लग जाता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा येलो बोन मैरो हमारे बॉडी में अडल्ट में होते हैं। सो ये जो स्लाइड है हमें शो कर रही है बोन की एनाटॉमी, जिसमें हमें रेड मैरो, येलो मैरो, स्पॉन्जी बोन, बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दे रही है। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट दिस टॉपिक, फैक्ट्स अबाउट बोन मैरो। लगभग 200 बिलियन न्यू रेड ब्लड सेल्स हर रोज़ हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ। बोन मैरो मेसेनकाइमल एंड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कंटेन करते हैं। अराउंड 10,000 पीपल्स US में डायग्नोस कराते हैं हर साल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिक्वायरमेंट के लिए। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि प्रिवेंट करती है बोन मैरो में स्टेम सेल्स से एसेंशियल सेल्स में कन्वर्ट होने में प्रिवेंट करती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है और ये वीडियो कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम एजुकेशनल थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।